दामदनी अक्षतिक, दाम की लाडली सखी श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हुए कि रूहों को लाड़ पिलाने के लिए जो बीज धनी के दिल में है वो वृक्ष का रूप धारण कर धाम धनी अपने दिल के अनंत सागरों का रस वाणी के माध्यम से पिलाते हैं। और धाम धनी एक बात अवश्य कहते हैं कि आपको परम धाम देखना होगा और उसको ग्रहण करना होगा। जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहेदत। सुंदर साहब, राज जी कह रहे हैं कि मेरे दिल के अंदर एक ही बात है कि मैं तुम्हें अपने दिल के रस के खजाने को खोल दूं, वही मेरा हुक्म इस खजाने का रस आपको पिलाएगा। जो तुम्हें कहे हक हुक्म सो तू देख महा, जो तुम्हें कहा जा रहा है, राज्य का हुक्म जो तुम्हें सुना रहा है उसे तुम्हें देखना है। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि क्रिकेट की कमेंट्री होती है तो क्रिकेट खेलने वाले अलग, उसका आंखों देखा हाल सुनाने वाले अलग, और उस हाल को सुनने वाले अलग। उसी प्रकार से अब परम धाम की वो अनंत शोभा जुगल स्वरूप के नक्शे सिक तक के हर अंगों के साथ, उनके वस्त्र और आभूषण के साथ, उनकी हर अदाओं का जो ब्यौरा है, करने वाले राजी, सुनाने वाले उनका हुक्म और सुनने वाले उनकी आत्माएं। तो जब यहां पर खेल का ब्यौरा कोई सुना रहा होता है तो हमारे हृदय के सामने वो इस तरह से आ जाता है मानो हम खेल को साक्षात देख रहे हैं। यही इस चौपाई का भाव है। जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत। महामती जी को राज्य का हुक्म कह रहा है कि अब मैं जैसे जैसे तुम्हें एक-एक अंग का वर्णन करूंगा, परमधाम का वर्णन करूंगा, तू उसको अपने अंतर दृष्टि से देखती चल, और जैसा जैसा तुझे दिखे वैसा वैसा तुम अपनी उन संगी आत्माओं को कहो जो तेरे वाहे दत्त के तन है परम धाम में। हम सारे के सारी ब्रह्म सृष्टियां एक तन है, एक दिल है परम धाम में। तो ऐसा उनको हुक्म दिया गया कि अब तुम्हें हुक्म सुनाएगा, एक एक वर्णन इस माया के ब्रह्मांड में पर्दा हटाता जाएगा, तुम्हें सुनाता जाएगा, तुम उसे आत्मदृष्टि से देखो, उसको ग्रहण करो और फिर अपनी रसना से सुनाओ, जिससे और तुम्हारे आत्माएं, तुम्हारे जो परम धाम में तेरे तन वाहे दत्त हैं, वाहे दत्त के तन हैं, उनको भी उसका उतना ही सुख मिले जितना हुक्म से सुनकर तुमको मिलता है। और उनको भी कहो कि वो सुनने के बाद
उसको अपनी अपने आत्म चक्षुओं से देखें। इसलिए ये खास तौर से सिंगार ग्रंथ और सागर ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ, चितवन के ग्रंथ है। ये मात्र हम लोग बैठ के बातें कर लें, सुन लें, तो वो रस तब तक नहीं आएगा जब तक हम साक्षात उस स्वरूप को देखें ना। यही आहार आसिकन का, यही शोभा सिंगार, झीले सागर वाहे दत्त में मेहर सागर अपार। अब परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका आहार जो है वो धनी का दीदार है। यही आहार आसिकन का, यही शोभा सिंगार। अब राजीव अपने अनंत सौंदर्य के साथ, नूरी सौंदर्य अपने अनंत गुणों के साथ, जिस तरह से परमधाम में बैठे हैं वो शोभा को निरखना और अपने दिल में बसाना ही रूहों का भोजन है, आहार है, खाना दीदार इनका, धनी का दीदार करना। तो ये झीले सागर वाहे दत्त, वाहे दत्त का सागर यानी कि राज्य के दिल का सागर, उनके दिल में जब रूहें आत्माएं विहार करने लगती है तो उसका प्रकट स्वरूप, परमधाम की हकीकत का स्वरूप दिखने लगता है। झीले सागर वाहे दत्त में मेहर सागर अपार। राजी का दिल मेहर का सागर है, सर्व रंग सर्व रस और उसके अंदर अनंत सागर, प्रत्यक्ष में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, घृत सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। तो जो सातों सागर हैं नूर से लेके रस तक, वो सब सर्वरस सागर में विद्यमान है। और एक एक सागर में कई सागर, और हर सागर के अंदर अनंत लहरें इश्क की उठा करती हैं, और हर इश्क के अंदर अनंत तरंगे उठती हैं, और हर तरंग के अंदर अनंत किरणें उठती हैं, और वो सारे किरण जब रूहों को घेर लेती हैं तो रूहें उस वाहे दत्त में झीलने लगती। झीले सागर वाहे दत्त में मेहर सागर अपार। इस प्रकार से राज्य का दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों अपने गुण के साथ प्रेम आनंद एकत्व के साथ हमें झिलाता है। महामत देखे विवेक सो हक वस्त्र और भूख। सुंदर सा महामती जी फरमाती हैं कि मैं जागृत बुद्धि के सानिध्य में अब परमधाम के उस हर स्वरूप को देख रही हक वस्त्र और भूख। राजी का हर अंग देख रही हूं और उसकी अंगों की जो शोभा है वो वस्त्र और आभूषण है, वो भी आत्मस्वरूप है, राजी के अंगों की शोभा है। तो महामती जागृत बुद्धि को लेकर
अब उसको देख रही है। सब अंग शोभा अंगों की, जो दिल रूह होए रोशन। राज्य के एक एक अंग राज्य की शोभा दर्शाती हैं, और वो सारी शोभा जब रूहों के दिल में बसती है तो आनंद को प्राप्त होती है। अब ये तो प्रिल्यूड था, प्रकरण 19 जोबन जोश मुख बीड़ी छल। जोबन मीन्स युवा किशोर अवस्था। राजी का मुखारविंद को देखकर प्रेम का जोश जो हम रूहों के दिल में पहुंचता है उसका वर्णन। फेर फेर पट खोले हुकम निस्बत जान रूहन, हक मुख अंग इश्क के ले देखिए अर्श अंग तन। राजी अपने हुक्म से परम धाम की आत्माओं जो यहां आई हैं राज्य का दिल देखने के वास्ते, आए तो हम जरूर हैं अपनी सुरता से अपने मूल तन से, लेकिन एक माया का स्वप्नमयी पर्दा जिसने आत्माओं को फरामोश कर रखा है, अब वो राज्य का हुक्म अपने इल्म से पर्दा को हटाता जाता है और आत्मा अपनी आत्म दृष्टि से अपने दिल के नैनों से धाम धनी के स्वरूप को देखती है। फेर फेर पट खोले हुकम निस्बत जान रूहन। हमारा जो निस्बत हमारा जो अंकुर है उसी के कारण ये किसी और के लिए संभव नहीं है, ये सिर्फ परम धाम में जिनके मूल तन हैं। ये वर्णन मात्र उन्हीं के लिए है। हां, जब वो लेती है तो राह चलते कोई और भी ले ले तो वो उसका सौभाग्य, लेकिन ये मूल है रूहों के वास्ते। तो निस्पत के कारण हमारे दिलों पर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है वो राज्य का हुक्म उठाता जा रहा है। हक मुख अंग इश्क के, राज्य का मुख उनके हर अंग इश्क के है। ले देखिए अर्श अंग तन। अब ये एक बहुत गहरी बात है कि आत्मा देखे तो कैसे देखे। इल्म से सबसे पहले जीव वाणी के सानिध्य में आता है, उसका चिंतन मनन करता है, लेकिन वो सिर्फ एक कल्पना रहती है। लेकिन जब धनी अपनी आत्माओं को उठाना चाहते हैं तो आत्मा विरह और प्रेम का संबल लेकर इल्म के नाव पर राजी के हुक्म का बल लेकर चितवन के माध्यम से परम धाम के एक एक अंग को देख पाती। धनी के मुखारविंद को देख पाना, चरणों को देख पाना, हर अंग को देख पाना और उसकी साजो श्रृंगार वस्त्र और आभूषण को देख पाना, ये चितवन के माध्यम से आत्मदृष्टि से आत्मा देखती है।
और देखने के बाद आत्मा अपने मूल तन को देखती है, श्रृंगार प्रकरण 4, आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण। मेरे प्यारे सुंदर साथ, उसको आज पढ़ो, घर में बैठ के पढ़ो। राज्य ने चाहा तो कल शाम को इसी वक्त उस प्रकरण के एक एक अंग को हम लोग अपनी सुरता में लेंगे। उसमें साफ धनी के हुक्म ने ये कहा है कि जो जो अंग राज्य के हमारे दिल में आते जाएंगे, वो अंग हमारी पर आत्म के खड़े होते जाएंगे। यानी आत्मा अपने मूल तन के उस अंग को देख पाएगी जो अंग वाणी के द्वारा राज्य के नख से शिख तक के अंगों का जो वर्णन है, जब वो वर्णन साक्षात हमारे दिल में चुभने लगेगा तो आत्मा का वो अंग, परात्म का वो अंग आत्मा के समक्ष खड़ा होता जाएगा। अब जब धनी के नख से चरण से शिख तक का पूरा स्वरूप जब इल्म के द्वारा चितवन के माध्यम से आत्मा उसे ग्रहण करती है, तो पर आत्म का वो अंग आत्म के सामने खड़ा हो जाता है। और तब स्थिति यह बनती है कि आत्म अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को देख पाती है, अपने बिंब यानी मूल तन के स्वरूप को देख पाती है और उससे अरस परस होए के दाम धनी के मुखारविंद उनके अंगों की शोभा को अपने दिल में ग्रहण कर पाती। कहने का तात्पर्य सुंदर साथ ये है कि जब तक मूल तन को मैं देख नहीं पाती, तब तक धाम का वो सुख हमारे दिल में नहीं आ सकता। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। खसम के साथ विलास प्रेम रस में डूबना तभी संभव है जब आत्म पर आत्म से अरस परस हो जाती। इस स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही पर आत्म आत्म संग। जब आत्मा अपने मूल तन से अरस परस हो जाती है तब वो देख पाती है धनी के स्वरूप को साक्षात। हम सभी सुंदर साथ को पता है कि हमारे मूल तन मूल मिलावे में इस घड़ी बैठे हैं, धनी को घेर कर धनी सिंहासन पर विराजमान है। हमारी तन की आंखें धनी को देख रही है, धनी का प्रतिबिंब मेरे नैनों की पुतलियों में बसा हुआ है और मेरे नैन की पुतली मेरे दिल से जुड़ी रहती, तो मेरे दिल के अंदर धाम परात्म के दिल के अंदर धाम धनी का स्वरूप अखंड रूप से बसा हुआ है और आत्मा का दिल भी परात्म के दिल में बसा है। बस जैसे ही ये माया का पर्दा हटता है, आत्मा अपने दिल को परात्म के दिल के अंदर पाती है और उस दिल के द्वारा
धान धनी के स्वरूप को, उसके रस को अपने हृदय के अंदर पाती। अर्स्तन का दिल जो, अर्स्तन के दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, सुख लज्जत अर्स्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर माहे। प्यारे सुंदर साथी, ये चौपाई यहां कितनी पर्टिनेंट है इस बात को आप समझें। अर्स्तन के दिल में ए दिल, यानी आत्मा का दिल अर्स्त के जो मूल तन है उनके दिल के अंदर विराजमान है, क्योंकि आत्मा का मूल स्थान वही है। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, परात्म के दिल में और आत्मा के दिल में कोई भी भेद का पर्दा नहीं है। आप देख सकते जो सुख परात्म को है वही सुख आत्म के दिल को भी मिलता है, क्योंकि वो उसका स्वरूप पर आत्म के दिल के अंदर है। सुख लज्जत अर्स्तन खेचे, जो मूल तन हमारे हैं उनके ताले में धाम धनी के अंगों का सुख विद्यमान है, और जब वो सुख परात्म के दिल में आता है तो आत्म के दिल में स्वतः ही वो प्रेम स्वरूप आ जाता है। तो इस प्रकार से फेर फेर पट खोले हुकम निस्बत जान रूह। सुंदर साथ, इस बात को आप समझ लें कि अगर हमने अपने निस्बत की पहचान नहीं की तो हम धाम धनी के मुखारविंद की शोभा को कभी भी अपने दिल में नहीं ले पाएंगे। हमारा टोटल खजाना, हमारा टोटल बल तो निस्बत है। जो इस संसार में हुकुम नाम दावा हुज्जत भेद और मूलतन की नजर को लेकर हुक्म यहां आया है, आत्मस्वरूप में स्थित है इन तनों में, वो आत्मा को अब वाणी के द्वारा चितवन की राह पर अग्रसर किया जा रहा है कि अब सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए। और इसी प्रकार से वो जाग सकती, इनविद साथ जी जागिए बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे चौक पतन। तो उस मूल मिलावे में अपने सुरता को ले जाए, धनी के नक्शे शिक्तक के अंगों का स्वरूप अपने दिल में ग्रहण करें, और ऐसे ग्रहण करते करते अपने मूल तन के वो अंग हमारी आत्मा के दिल के नैनों के सामने खड़े हो जाएंगे, और उससे हम अरस परस होंगे, तभी आत्मा को धाम का स्वाद आएगा। स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजिए भंग, अपनी चितवन को कभी भी टूटने ना दीजिए। हर घड़ी हर पल हमारी आत्मा की दृष्टि अखंड रूप से धाम धनी के सौंदर्य में डूबी रहे। हक वर्णन जिमी सुपने, हुक्मे कहया नेक सोए, हक इश्क एक तरंग से रू निकस न सके कोई। सुंदर साथ, अभी आपने सुना कि राजी का हुक्म इस स्वप्न मंडल में
हक का वर्णन कर रहा है। आप सभी को पता है कि आद अनाद से जो ये माया का खेल चल रहा है, सभी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनको अक्षरातीत का पता नहीं चला, उनके नाम का यानी पहचान, धाम, स्वरूप, लीला कुछ नहीं। और ये अंकुरियों के वास्ते अब राज्य का हुक्म खोल रहा है। हक वर्णन जिमी सुपने हुक्मे कया नेक सो, और हुक्म ने भी जो वर्णन किया है उसका जो मूल स्वरूप है उसका एक थोड़ा सा वर्णन। सुंदर साहब जी, शब्दों की एक सीमा होती है, ये शब्द बयान नहीं कर सकते। जैसे एक गुलाब का फूल है, उसके अंदर सुगंध है, मैं फूल का वर्णन तो कर दूं लेकिन सुगंध के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो सुगंध है, बस हम इतना ही कह पाते। उसी प्रकार से राज्य के नक्शे शिख तक का, अंगों का जो वर्णन है, वर्णन तो हो जाता है लेकिन जब उस हर अंग के संदो संद में, गुण अंग इंद्रिय में जो इश्क का रस भरा हुआ है उसका वर्णन संभव नहीं। जैसे सुगंध का वर्णन संभव नहीं, जैसे शक्कर है, चीनी है, उसके अंग अंग में मिठास भरी है, तो मैं चीनी का वर्णन तो कदाचित कर दूं लेकिन उसकी मिठास कैसी है इसका वर्णन मुझसे होगा नहीं, क्योंकि शब्द की सीमा होती। और धाम धनी की शोभा सीमा से परे है, शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी यहां के मसाला लेकर, यहां के शब्दों का सहारा लेकर वर्णन करना पड़ता है रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते, क्योंकि चुप रहने से रूहों को सुख कैसे मिलेगा। इसलिए हक वर्णन जिमी सुपने हुक्मे कहया नेक सोए, हक इश्क एक तरंग से रूह निकस न सके हो। राज्य के हर अंग इश्क का सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत माने राज्य, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखा। यानी राज्य अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत इश्क के रस को अपने अंगों के अंदर, परम धाम के हर अंग के अंदर विद्यमान है उसको दिखाते हैं। गुण हक बाहर देखा, दिल देखा जाता है गुणों से, और गुण जैसे जमाली के गुण, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ये सारे गुण हैं, वो राज्य के अंगों से दर्शित होते हैं। तो हक इश्क एक तरंग से, उसका अगर एक तरंग भी मेरे दिल के अंदर पहुंचने लगता है तो रूह निकस न सके कोई, फिर रूह उस सुगंध से, उस स्पर्श से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। सुंदर मुख मासूक का
और अंग सबे सुंदर, सो क्यों छूटे आसिक से जब चुभे हैड़े अंदर। राजी का हर अंग मुखारविंद फैला, वक्ष स्थल, बाजू, कमर, पेट, पासली, पीठ, हर सुंदर है, सौंदर्य से भरपूर है और उस सौंदर्य के अंदर प्रेम के गुण है, एकत्व के गुण है। सो क्यों छूटे आसिक से जब चुभे हैड़े अंतर। जब आत्मा चितवन के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचती है, धनी के स्वरूप को का दीदार करती है, अपने मूल तन का दीदार करती है, उस तन से अरस परस होती है, तो उस तन के दिल के नैन की नजर से जब धनी का दीदार करती है तो जो इश्क का लहराता हुआ सागर उसके दिल में प्रवेश करता है, उसका वर्णन संभव नहीं है। सुंदर साहब जी, ये तिरछा नेक जो मुस्कत धाम धनी, इसका क्या वर्णन करें? अपने अधरों को हल्का सा मोड़ देते बातें करते समय, और ये अदा इतनी कातिल होती है कि उसके बाण रूहों के दिल में चुभने लग जाते। अब ये चितवन के माध्यम से देखा जा सकता है, शब्दों में बयान संभव नहीं है। दामदनी को देखिए और उनके एक एक अंग जब मेरे दिल में चुभने लगे और धनी अपने हस्त कमल को बातों के प्रेम की गहराइयों के संग संग चलाते हैं, जैसे सुंदर साथ कोई गायक कलाकार गाता है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इस तरह से स्वर निकालते हैं कि दोनों के स्वर अरस परस हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब राजी बात करते समय हाथ चलाते हैं तो वो उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है और उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। जो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं वो किस तरीके से प्रेम के बाण उस मुस्कुराहट के अंदर आत्मा के हृदय के अंदर चुभ जाते हैं, ये वर्णनातीत है। तिरछा नेक जो मुस्कत तो मार डारत मुतलक, मुतलक माने पूरी तरह से, जो कदी सन्मुख होए यो रूह सो तो क्यों जीवे रूह आसिक। जब मैं अपने परातम के सन्मुख खड़ी होती हूं और धाम धनी को अपने परातम के दिल के नैनों की नजर से देखती हूं तो अब आत्मा की यह हालत हो जाती है कि अब वो धनी के चरणों के बिना, उनके अंगों अंग लगने के बिना एक क्षण भी रहना दुश्वार हो जाता है। आसिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलूक,
एक नेक अंग के सुख में रूह हो जात टूक टूक। अब आत्मा जो आशिक का दावा लेकर बैठी है संसार में, धनी के नक्शे शिक तक के अंगों में, हर अंग में अटक जाती, उसका रूप उसका सौंदर्य देखकर, और एक अंग का थोड़ा सा सुख भी जब रूह ग्रहण करती है तो अब वो इस तन के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अब वो धाम धनी के चरण कमल ही उसका निवास स्थान हो जाता है। सब अंग देखे रस भरे, राजी का हर अंग इश्क के रस से भरा हुआ है, प्रेम के सुख पूरन, और प्रेम ही लहरा रहा है। रूह सोई जाने जो देख ही ए पीवत रस मोह, जो चितवन के द्वारा इस संसार में बैठे बैठे धाम धनी के सुंदर स्वरूप को देखकर ग्रहण करती है अपने दिल के अंदर, उसी को धाम धनी के दिल का रस पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गौर गाल मुख उज्जल, माहे गहरी लालक ले, ए जुबा सुख शोभा क्यों कहे, अर्स अंग हक के। सुंदर सा ध्यान दीजिएगा, नील सागर का रंग लाल है, आप सब जानते हैं प्रधान रंग, जैसे नूर सागर में के रंग में अनंत रंग है लेकिन प्रधान रंग है श्वेत। नील सागर लाल रूहों के मुखारविंद की शोभा, क्षीर सागर का पीत रंग है पीला जो वाहेदत्त का सागर है, दधि सागर का रंग हरा है जो सौंदर्य का सागर है, घृत सागर इश्क का सागर आसमानी रंग, मधु सागर श्याम रंग इल्म का सागर, रस सागर में 10 रंग प्रकट होते हैं वो निष्पक का सागर है। हमारा जीवन वही निष्पक का सागर है, और महज सागर में तो अनंत रंग अनंत रस, सभी सागरों के रंग और रस उसके अंदर समा जाते हैं। तो नील सागर का रंग लाल है, यानी रूहों के मुखारविंद की शोभा लाल है हर रूह। तो कहते हैं गौर गाल मुख उज्जल, राजी का रंग मुखारविंद का रंग गोरा है, उज्जवल है, जिसमें स्वच्छता है, कोई दाग नहीं। माहे माहे उस गाल के गौर के माहे गहरी लालक ले, एक रूह के मुखारविंद की शोभा लाल तो 12,000 रूहों की मुखारविंद की गहरे लाली सारे मिलके गहरे लाल हो जाते हैं, और वो राजी के मुखारविंद पे प्रकट होते हैं, क्योंकि रूहें राजी के दिल में बसती और राजी के दिल नूर का स्वरूप है, अपने अनंत गुणों के साथ राजी के मुखारविंद पे प्रकट होता है। इसलिए रूहें जो राजी के दिल में होती हैं, उनके उनकी लालिमा सभी की लालिमा मिलकर गहरी लालक हो जाती है राजी के मुखारविंद पर। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताके दिल की सब देखा है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। इस प्रकार से सभी रूहों की शोभा
राजी के मुखार बिंद पर प्रकट होती। गौर गाल मुख उज्जल माहे गहरी लालक ले ए जुबा सुख शोभा क्यों कहे। इस जुबा जो शब्दों का सहारा लेती है कैसे वर्णन करे। अर्स अंग हक के राज्य के परम धाम अंगों का वर्णन ये जुबा कैसे करे। ये तो मात्र अपने दिल के अंदर दिल के नैन की नजर से देखा जा सकता है। रूह आसिक जिन अंग अटकी छूटत नहीं क्यों ए सोई। हर अंग इश्क का सागर है अभी आपने सुना। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। तो रूह आसिक जिन अंग अटकी छूटत नहीं क्यों ए सोए। एक किसी बातों आसिक सो अंग मासूक जुदे ना हो। आशिक और मासूक इसीलिए कहा ही जाता है कि वो अपने हर अंग से अरस परस होते। आत्मा का हर अंग पर आत्म का हर अंग राजी का हर अंग श्यामा जी का हर अंग ए रूहो तुम मेरे तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तुम्हारे अंग अंग में इश्क उसी प्रकार से भरा है जैसे मेरे अंगों राज्य के अंगों और उस सारे अंग एक तन है एक दिल है। लीला रूप से विद-विद के रूप दिखते हैं लेकिन सब मूल में एक तन एक दिल एक रूप एक स्वरूप एक रंग एक रस। जेते अंग मासूक के रूह आसिक रहे तिन माहे। रूह आसिक और कहूं न टिके अपने अंग में भी ना है। सुंदर साथ जरा गौर कीजिएगा। धनी के हर अंग में आत्मा का दिल बसता है। वस्तुतः वाणी आप सभी सुंदर साथ प्रबुद्ध सुंदर साथ हो ज्ञानी सुंदर साथ हो जानकार सुंदर साथ हो धनी के वाणी में गर्क रहते हो फिर भी धनी की मेहर से उनकी कृपा से वो बता देता हूं। जिमी जात भी रूह रूह जात आसमान जल तेज वायु सब रूह की रूह जात अर्थ सुभान। तो ये क्या वो जिमी हो क्या वो आसमान हो क्या जल हो क्या तेज हो वायु हो सब आत्माएं हैं और आत्मा माने राज्य का दिल। ये बात एक समझ लें इसके ऊपर अधिक चर्चा का विषय अभी नहीं है लेकिन रूह आत्मा का ही दूसरा शब्द है रूह और रूह दिल को कहते हैं। जैसे किसी के तन से जैसे प्राण चला जाता है तो हम कहते हैं उसकी रूह निकल गई यानी अब उसके अंदर दिल नहीं रहता मात्र शुष्क तन रह जाता है जो कुछ भी नहीं कर सकता दिल के अस्तित्व के बिना। तो रूह राज्य का दिल है आत्मा वही राज्य का दिल है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब हक अर्स बाहे दत्त में दूजा मिले न कछु या पहाड़ या तिनका। पहाड़ माने परम धाम के अंदर बड़े से बड़ा स्वरूप या तिनका छोटे से छोटा स्वरूप यानी सारे स्वरूप या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म
सब आत्म स्वरूप हैं, सब राज्य के दिल के स्वरूप हैं, सबके अंदर राज्य का दिल है और सबके अंदर राज्य के दिल का नूर तन के रूप में भासित होता है। तो सारी आत्माएं राज्य का तन है, रूहो तुम मेरे तन हो। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टिया ही नहीं, हक जात पूरा, हक जात माने परम धाम अपने अनंत आकारों के साथ। तो जेते अंग मासूक के रू आसिक रहे तिन माहे, रू आसिक और कहूं ना टिके अपने अंग में भी ना है। अब आसिक को अपना सुध ही नहीं रहता। जब आत्मा मूल मिलावे में चितवन की गहनतम गहराइयों में खड़ी होती है, अपने मूल तन को देखती है और उस मूल तन के बाद उसके दिल के नयन की नजर धाम धनी के मुखारविंद पर पड़ती है, तो उस समय उसको न मूल तन का भान रहता है न अपने तन का भान रहता है, वो तो सिर्फ धनी के तन को का दीदार कर रहे। सुंदर साहब आपको, और काम हक को कोई नहीं, देत रूहों सुख बनाए वाहे दत्त बिना हक दिल में और न कछुए आए। वाहे दत्त माने यहां पर ब्रह्म सृष्टियों को कहा है, वैसे तो वो अनंत परम धाम ही वाहे दत्त है जहां एकत्व है एक दिल। वाहे दत्त बिना हक दिल में और न कछुए आए, ब्रह्म सृष्टियों के अलावे राज्य के दिल में कुछ और नहीं, और राज्य को कोई और काम है भी नहीं। देत रूहों सुख बनाए, अब धनी अपनी रूहों को अपने अंगों से इतने तरह तरह के अनंत सुख पहुंचाते हैं जिसका शब्दों में वर्णन तो असंभव है, लेकिन फिर भी नेक सा वर्णन वाणी में यहां किया है। सुख देना लेना रूहों सो और रूहों सो व्यवहार, ये अर्स बातें इन जिमिये कोई बिना रूह न लेवन हार। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं वही इस बात को समझ सकती हैं और किसी के बस की ये बात है ही नहीं। राजी अपने अंगों का सुख, इश्क का सुख रूहों को देते हैं और रूहों से आनंद लेते हैं। इश्क का जो रस है वो आनंद है। तो सुख देना लेना रूहों सो और रूहों सो व्यवहार, ये अर्स बात इन जिमिये कोई बिना रूह न लेवन हार। परम धाम में जो इश्क का लेन देन है और आनंद के रस की प्राप्ति है, वो मात्र आत्माएं इसके योग्य है। कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इस आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंज। अब परम धाम की पर आत्म की सुध लीजिए, उनको आठों जाम 64 घड़ी परम धाम में समय नहीं होता। यहां के हिसाब से कहना यह है कि निरंतर पैदर पे लगातार धनी के नैनों से इश्क के लहराते हुए रस को अपने नैनों से पीते हुए अपने दिल के अंदर बसाना, उस सुंदर स्वरूप को अपने दिल में अंकित करना ही एक काम है। रूहों को दूसरा कोई काम नहीं। एक जाने हक इश्क आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंजक। हक जात वाहे दत्त जो छोड़े ना एक दम,
प्यार करे माहो माए वास्ते प्यार खसम। अब रूहों के बीच में एक दिल ही है, रूह हर रूह का दिल एक ही है, हर रूह का तन एक राज्य का ही तन है। तो इसी प्रकार से एक तनी है एक दिल है, तो हर रूह के बीच में अनंत प्रेम का डोर है जिससे वो बंधी हुई। और वो प्रेम का डोर कहां से प्रकट होता है? राज्य के दिल से। तो हक जात वाहेदत जो छोड़े ना एक दम, उस डोरी से हर घड़ी हर पल सारी रूहें प्यार करे माओ माए आपस में इश्क ही लुटाती, इश्क ही पीती, वास्ते प्यार खसम, क्योंकि ये प्यार वहदत का है, राज्य के दिल का इश्क है। तुम रूहो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, वो दिल का जो इश्क है उसके कारण सभी रूहें भी उसी प्रेम के रस में डूबी रहती हैं। हक अंग चलत मुख बोलते तब जान्या जात बुझ प्यार, ये अरवा अर्स की जान ही जाको निस्दिन ए विचार। अब हर घड़ी हर पल राज्य के मुखारविंद को देखना, उनके हर अंगों का चलना देखना जो प्यार की अभिव्यक्ति होती है, तब उनके दिल का प्यार कुछ समझ आता है। जैसे बात करते समय उनके नयन अलबेले चलते चंचल चपल चतुर, तो रस प्रेम का आता है। जब बात करते समय हाथ चलाते या आधे अधर खोल के बात करते, सब प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और ये वही परम धाम की रूहें जान सकती हैं जिनकी निस्बत है और जो हर घड़ी हर पल धाम धनी के अंगों का सुख इस संसार में भी बैठकर लेती रहती। अपने शरीर भाव से, जीव भाव से, संसार भाव से विरक्त होकर अपनी सुरता मूल मिलाव धनी के चरणों में लगाती हैं, यही उनका काम है। अब सुंदर सा दो चौपाई आपको सुनाता हूं, फिर आज का समय पूरा होगा। इस दो चौपाई को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर, हे अर्स बीच मोमिन जान ही जिनको खुशबोए आई फजर। अब राजी चलते कैसे हैं? बड़ी अद्दा से उन्हें मालूम है कि ये जिमी जो है वो रूह है, आत्मा है। तो राजी अपने चरण कमल जो वैसे ही अति कोमल है उसको और भी ऐसी अदा से रखते हैं जिससे कि आत्मा रूपी जिमी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर, ए अर्स बीच मोमिन जा नहीं जिनको खुशबोए आई फजर। जिनकी मूल तन परम धाम में है और अब इल्म से उनकी आत्मा जागृत हो रही है, उनको इसकी थोड़ी सी सुगंध आ सकती। हक धरत पांव उठावत तब जानी जात चतुराय। अब राजी का ये जो मूक प्यार की अभिव्यक्ति है, जिमी आत्मा है, राजी के चरण कमल भी आत्मस्वरूप है, अब वो दोनों आत्माओं के बीच में रखने का एक जो अदा है, वो दोनों आत्माएं के बीच में ये प्रेम का मूक संवाद चल रहा है। दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि
जिमी भी अपने आप को इतना कोमल कर लेती है कि मेरे प्राण प्रीतम के चरण तली को जरा भी कष्ट ना हो। और चरण तली भी राजी इस प्रकार से रखते हैं कि वो जिमी रूपी आत्मा को कष्ट ना हो। लेकिन इसके पीछे एक चतुराई है, वो चतुराई सुंदर साथ आप जान लो। जैसे हम राजी के सामने उनके साथ आठों प्रहर रहते हैं, उनकी चरण तली का दीदार नहीं होता। चरण के ऊपरी हिस्सा को तो मैं देख लेती हूं, अंगुलियों को देख लेती हूं, अंगूठों को देख लेती हूं, एड़ी घूटी काड़ो टखना सबका दीदार परम धाम में रहते हुए मेरे मूल तन करते हैं। लेकिन चरण तली का दीदार करने के वास्ते, उसका सुख देने के वास्ते हक धरत पांव उठावत, तो जिमी रूपी जो आत्मा है वो अपने दिल के नैनों से राजी के चरण तली का दीदार करती है और उस दीदार का सुख जो आत्मा रूपी जिमी को मिलता है वहदत के सुख के कारण पर आत्म के दिल में भी वो सुख आ जाता है और पर आत्म के दिल में वो सुख आने से आत्म के दिल में भी वो सुख आ जाता है क्योंकि आत्म का दिल भी बसता कहाँ है, राज्य के दिल में। हक धरत पांव उठावत तब जानी जात चतुराई। तो राज्य की चतुराई जो है कि किस प्रकार से अपनी हक जात को, अपने सभी अंगों को वो चरण तली की लीके लाभ लीके लीकों में दिल के अनंत सागर, राजी अपना तन दिखाते हैं लेकिन दिल दिखाने का एक ये रास्ता है कि चरण तली की जो लाक है गहराई वाला भाग उसमें जो गहरी गहरी लीके हैं उस हर लीक में हर रेखा में राजी ने अपने दिल का स्वरूप भर दिया। दिल के अंदर अनंत इश्क के सागर, अनंत सागरों के साथ उन लीकों में उसका जल है और उस जल के अंदर रूमे उसकी मछली है। चरण तली बेली है और बेली से लगे हुए रूहे फूल है, यही उनकी निस्बत है। तो राजी इस प्रकार से जिमी रूपी आत्मा को अपनी चरण तली दिखाते हैं, हक धरत पांव उठावत, तब जब दीदार करती है जिमी रूपी आत्मा तो लाक की वो लीके लीकों में वो महासागर राजी का दिल देख पाती है और वो ही दिल का स्वरूप सभी आत्माओं के दिल में उसी समय पहुंच जाता है क्योंकि हम सब वाहदत के स्वरूप होते हैं। सो समझे हक इसारते जो होए अर्स अरमान। और जिनके मूल तन परम धाम में है, जिनका अंकुर है, सिर्फ वही इस बात की को समझ सकते हैं कि इसके पीछे भाव राज्य के चरण कमल के क्या है। सुंदर साथ आज समय पूरा होता है।